वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ सिंपल से फिश का झोल। बहुत ही कम तेल से बना हुआ, नॉर्मली आप लोग खा सकते हैं। तो इसी के लिए झटपट से हम लोग फिश ले लेते हैं। फिश को अच्छी तरह से काट के साफ करके नमक और हल्दी लगा के हम लोग इसको पूरा एक साइड पे रख देते हैं। अभी कढ़ाई में तेल जैसे गर्म हो जाता है, फिश को हम एक एक करके फ्राई कर लेंगे। उसके साथ ही साथ हम साइड में प्याज काट लेते हैं। प्याज को एकदम पतला पतला स्लाइस करके ही काटिएगा। इसके साथ ही साथ हम लोग काट लेते हैं झींगा। इसको झींगा ही बोलते हैं हम लोग, पता नहीं और भाषा में क्या बोलते हैं। साथ में आलू भी काट लेते हैं। इधर हम लोग का फिश ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, एक साइड हो गया। दूसरी साइड हम लोग जरा अदल बदल करके फ्राई कर लिए। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। उसी तेल में हम दे देते हैं हरी मिर्च और तेज पत्ते। हरी मिर्च 2-3 डालिएगा स्लिट करके, और साथ ही में डाल देते हैं प्याज और आलू। दोनों को अच्छी तरह से एक दूसरे को फ्राई कर लेंगे। साथ ही में देंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, रेड चिली पाउडर, ये सारे जितने सारे सूखे मसाले सब डाल देंगे। साथ ही में देंगे थोड़ा सा पानी। पानी दे के 2 इसे ढक देंगे ताकि आलू थोड़ा सा पक जाए। आलू हाफ कुक हो चुका है। उसमें देंगे 2 की कलियाँ कुटी हुई, और साथ में दे देते हैं झींगा। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद उसको हम ढक देंगे। ये अभी 5 के लिए पकेगा ताकि सारे सब्जियां अच्छी तरह से फुल्ली कुक हो जाए। देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। हम एक बार चेक करके देख रहे हैं। आलू नहीं, आलू अभी तक पूरा पका नहीं। मुझे लग रहा है थोड़ा और रखना पड़ेगा, तो इसको फिर से वापस हम कवर कर देंगे। देखिए आलू ठीक तरह से पका नहीं, वापस कवर कर देते हैं। कभी कभी होता है, सीजनल आलू कभी कभी पकने में टाइम लगता है। और यहाँ हम लोग काट लेते हैं थोड़ा सा टमाटर। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। आप चाहें तो टमाटर कम ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर को हम यहाँ पर छोटा छोटा स्लाइस में काट लेंगे। आलू अभी हम लोगों का बन चुका है, तो अभी डाल देंगे टमाटर। तो ये टमाटर डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। याद रखिएगा टमाटर पहले ना दीजिएगा। आलू जब तक ना पके टमाटर ना दीजिएगा, नहीं तो आलू अभी और पकने नहीं वाला है। टमाटर देने के बाद आलू का जो कुकिंग वो बंद हो जाता है। तो अभी फिर से कवर कर देते हैं ताकि टमाटर भी थोड़ा सा गल जाए सब्जी के साथ। देखिए टमाटर गल गया अभी। अभी ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फिर से कर देते हैं मिक्स। अभी ये जो सब्जी से जो पानी निकला है, ये पानी सब्जी का खुद का पानी है, मतलब वेजिटेबल का खुद का पानी है। जबकि हम जब इसे कवर किए हैं उसके वजह से वेजिटेबल से ये पानी छोड़ा है। तो याद रखिएगा ये जो पानी छोड़ा है वेजिटेबल से, इस छोड़ा हुआ पानी से आप झोल नहीं बना सकते हैं। इससे अगर झोल बनाते हैं ऐसे ही रख देते हैं तो इससे आपको वेजिटेबल का कच्चा कच्चा स्मेल आएगा। तो मतलब इसको चला चला के ही सुखाना है। पानी अभी पूरा सूख चुका है। अभी आप इसमें झोल का पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो पानी अभी आप ऐड करेंगे ये ठंडा पानी ना दीजिएगा। ये थोड़ा सा गर्म, बॉइलिंग नहीं बोल रहे, बॉइलिंग होता है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा गर्म पानी ही डालें ताकि इसका फ्लेवर इंटैक्ट रहे। जैसे इसमें उबाल आ जाए उसी के साथ साथ आप डाल दीजिए जितने सारे फिश आपने फ्राई करके रखे हैं। बॉयल आने से पहले फ़िश, फ्राई किया हुआ फ़िश नहीं डालें, बॉयल आने के बाद ही डालिएगा, ठीक है। तो अभी जैसे ये फ़िश डाल देते हैं, वेट करते हैं और एक उबाल आने का ताकि फ़िश का फ्लेवर इस झोल के अंदर चले आए और ये जो सब्जी हम बना रहे हैं वो भी बहुत टेस्टी बन जाए। इसी समय चेक कर लीजिएगा, अगर नमक कम है तो नमक डाल दीजिए, क्योंकि ये लास्ट है। इसके बाद और नमक मिलाने का चांस आपको नहीं मिलेगा। तो यही चांस है, आप इसको मिक्स कर लीजिए। नमक भी चेक कर लीजिए क्योंकि ये हो चुका है। अभी इसको सिर्फ बॉईल करेंगे। अगर लगा तो एक बार कवर भी कर देंगे। मैंने एक बार कवर भी कर दिए क्योंकि फिश डालने के बाद एक बार कवर करके भी बॉईल कर लेना चाहिए। देखिए मैंने निकाल लिया, ज़्यादा देर नहीं लगता है, 1 ही लगता है। देखिए अभी ये है पूरा तैयार। अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप ना चाहें तो सिंपल रखिए, ऐसे ही ये अच्छा लगता है। अभी ये सर्व कर देते हैं गर्मा गर्म राइस के साथ। तो ये मैं निकाल ले रही हूँ। सब्जी डालते वक्त ध्यान रखिएगा गिर ना जाए, बहुत सारे सब्जियाँ हैं। तो इसको मैंने एक गमले में निकाल लिया है। तो हम लोग का फिश का झोल तैयार है। आज का रेसिपी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।